स्थिति में हाथों को कमर में पीछे लगाएं, अंगुलियां जमीन की ओर रहेंगी। सांस भरते हुए छाती धड़ गर्दन को यथाशक्ति पीछे घुमाएं, थोड़ा सा रुकें। सांस छोड़ते हुए वापस वज्रासन में बैठ जाए। शशांक आसन, तनाव क्रोध आदि को कम करने में यह बहुत सहायक है। अधिक पीठ दर्द, घुटनों के दर्द व हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्तियों को यह वर्जित है। दोनों घुटनों को दूर दूर फैला दें, दोनों हाथ के पंजे सामने जमीन पर रखें, सामने जमीन पर रखें। सांस बाहर निकालते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर सरका दें। प्रयास करें माथा और खुट्टी जमीन पर लगे, पीछे एड़ियों पर बैठे रहना है। थोड़ी देर रुकने के बाद सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को अपनी ओर सरकाते हुए वापस आ जाएंगे। दोनों पैर बाएं वाले को बाएं तरफ से, दाहिने को दाएं तरफ से सामने फैला लें और दंडासन में विश्राम की स्थिति में थोड़ा विश्राम कर लें। चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठा के लंबी गहरी सांस लेते हुए विश्राम। वक्रासन, वक्रासन से मेरुदंड लचीला होता है, कब्ज दूर होती है, पेनक्रियाज की शक्ति बढ़ती है, मधुमेह के प्रबंधन में यह बहुत लाभ चाहिए। वक्रासन, दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लें, पंजा बाएं पैर के घुटने के पास, दाहिना हाथ पीछे, बाएं हाथ को क्रॉस करते हुए घुटने के बाहर से प्रयास करें मुड़े हुए पैर के पंजे के पास हाथ का पंजा जमीन पर लगे, पीछे देखें, हाथ को पीछे ले जाएं, धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। दूसरे पैर बाएं पैर के पंजे के पास जमीन पर रखें या स्पर्श करने का प्रयास करें, पीछे देखें, धीरे धीरे दाहिने हाथ को भी पीछे ले जाएं, पैर सीधा करें और दंडासन में लंबी गहरी सांस लेते हुए विश्राम कर लें। पेट के बल लेटकर करने वाले आसनों के लिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर पेट के बल लेट जाएं। मंच की तरफ सभी का सिर रहेगा। भुजंगासन, दोनों हाथ के पंजे छाती के आजू बाजू, कोहनी जमीन पर रहेगी। ये भुजंगासन का पहला पोज, दोनों पैर मिले रहेंगे। सांस भरते हुए गर्दन और छाती ऊपर उठाएंगे, कोहनी जमीन पर लगी रहेगी। सांस भरते हुए ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए वापस पूर्व स्थिति में। भुजंगासन का दूसरा अभ्यास, सांस भरते हुए कमर से ऊपर का भाग ऊपर उठाएं। इस बार कोहनी भी जमीन से उठ जाएगी, यथाशक्ति गोलाकार ऊपर उठाएं, आसमान की ओर देखें, थोड़ा सा रुकें और सांस छोड़ते हुए पुनः वापस पूर्व स्थिति में माथा जमीन पर। शलभासन,
शलभासन से पूर्व मकरासन में विश्राम कर लें। बाएं हाथ का पंजा माथे के नीचे, दाहिना हाथ उसके ऊपर और दाहिनी तरफ गर्दन को मोड़कर